सिंगरौली में शराब दुकान के सेल्समैन ने एक बुजुर्ग व्यक्ति की चप्पलों से जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हो गया है। बताया जा रहा है कि देवसर ब्लॉक के जियावन थाना क्षेत्र के समीप शराब की दुकान के सेल्समैन से एक बुजुर्ग व्यक्ति ने शराब की मांग की। सेल्समैन की ओर से रेट से ज्यादा पैसे की मांग की गई, जिसके बाद बुजुर्ग व्यक्ति ने पैसे देने से इनकार कर दिया और भड़क गया, जिसके बाद देखते ही देखते सेल्समैन ने बुजुर्ग की चप्पलों से धुनाई कर दी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया में भी वायरल हो रहा है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद जियावन पुलिस एक्शन में आई और शराब के सेल्समैन के खिलाफ मामले को दर्ज किया है। घटना 12 अप्रैल की बताई जा रही है। एसडीओपी प्रियंका पांडे ने बताया कि 12 अप्रैल को जयलाल केवट शराब की दुकान में गया था। वहीं किसी बात को लेकर शराब दुकान के सेल्समैन ज्ञानेंद्र परिहार से विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद विवाद इतना बढ़ा कि सेल्समैन ने बुजुर्ग व्यक्ति को चप्पलों से पीट दिया। वहीं फरियादी की शिकायत पर मामले को दर्ज कर लिया गया है और पूरे मामले की जाँच की जा रही है।